ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस समय एक्शन में हैं। बीती देर रात तक उन्होंने भिंड में बिजली विभाग के दफ्तरों का औचक निरीक्षण कर बिजली वालों की बत्ती गुल कर दी और ठीक से काम नहीं करने पर सजा भुगतने के लिए तैयार रहने की नसीहत भी दी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक्शन में हैं। उनके एक्शन अवतार में आपने देखा ही था कि मंत्री जी कैसे कर्मचारी अधिकारियों को आईना दिखाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए। ग्वालियर से मंत्री जी भिंड पहुंच गए, वहां उन्होंने 132 केवी सब स्टेशन ITI का निरीक्षण किया और वहां तैनात कर्मचारियों से बात की और बिजली में गड़बड़ी होने की वजह को समझा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भिंड जिले की गलियों में घूमकर जनता से बात की और जाना कि विद्युत व्यवस्था कैसी है। इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मेहगांव पहुंचकर 220 केवी सब स्टेशन और 132 केवी सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। ट्रिपिंग की परेशानी की समस्या का रियलिटी चेक करने निकले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत सब स्टेशन पर विद्युत लोड चेक किया और कर्मचारियों से वेतन मान को लेकर बातचीत की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर देर रात विद्युत व्यवस्था का रियलिटी चेक करने के लिए विद्युत सब स्टेशन गोहद पहुंचे। ऊर्जा मंत्री ने यहां भी ट्रिपिंग का रियलिटी चेक किया और कहा गड़बड़ी मिलने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कि आप पिछले साल से इस वर्ष की तुलना करें तो पाएंगे कि ट्रिपिंग कम होगी। आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में पहले जितनी आंकृत खपत की बिलिंग होती थी उसमें कमी आई है, परंतु ये सारे दायित्व का निर्वहन हम सबको मिलकर करना है। बिजली की समस्या का निदान करना सरकार का दायित्व है और मुझे माननीय शिवराज सिंह जी ने इस विभाग का दायित्व दिया है, तो यह सेवक ये कोशिश कर रहा है कि प्रतिदिन कि हर जहाँ पे समस्या के बारे में जानकारी मिलती है वहाँ जाऊँ, जा कर के उस समस्या को खुद देखूँ और उसका कैसे निदान होगा उसके लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दूँ। पहले के अपेक्षा अभी मैं भिंड गया हूँ, भिंड के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले से लाइट में सुधार है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।